आप सबका स्वागत है सिंगर अर्जुन के नए एपिसोड में। दोस्तों, दिल्ली गवर्नमेंट ने इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी को 7 अगस्त 2020 को लॉन्च किया था। उसके बाद से लगातार जो कमेंट आ रहे हैं वो यही है कि इस इलेक्ट्रिक व्हीकल को पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कब कर रही है दिल्ली गवर्नमेंट, क्योंकि वो कोई भी इलेक्ट्रिक व्हीकल लेने जा रहे हैं, चाहे वो डीलर नेटवर्क से या इवन डिपार्टमेंट में जा रहे हैं कि इस पर सब्सिडी कैसे क्या है, तो वहां से उनको कोई जवाब नहीं मिल रहा है। तो काफी ज्यादा कमेंट उस पर आ रहे थे, लेकिन आखिरकार कुछ उससे जुड़ा अपडेट निकल कर आया है। एटलीस्ट एक डेट कंफर्म हुई है। दिल्ली ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर कैलाश गहलोत, उन्होंने एक दिल्ली सेक्रेटरिएट में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कंफर्म किया है कि जो रोड टैक्स है और साथ में रजिस्ट्रेशन चार्जेस है वो बिल्कुल उन पर कोई चार्ज नहीं आएगा, उनको पे करने की जरूरत नहीं है। कब से? उन्होंने बताया है 10 अक्टूबर के बाद किसी भी तरह का रोड टैक्स या रजिस्ट्रेशन चार्जेस इलेक्ट्रिक व्हीकल पर न्यू दिल्ली में नहीं लगेगा। अभी न्यू दिल्ली में तकरीबन 4 से लेकर 10% तक की स्लैब है रोड टैक्स की और तकरीबन 3000 के आसपास रजिस्ट्रेशन चार्जेस का अलग से खर्चा आता है। बट अभी तक स्टिल इस बात पर कोई कमेंट नहीं इन्होंने दिया है मिस्टर कैलाश गहलोत कि जो सब्सिडी थी इलेक्ट्रिक कार पर, इलेक्ट्रिक फोर व्हीलर पर 1.5 लाख तक की, उस पर अभी भी कुछ क्लैरिटी नहीं हुई है। हर कोई इसी बात की वेट कर रहा है। मुझे काफी कमेंट आ रहे हैं, लोग जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इलेक्ट्रिक कार खरीदना चाह रहे हैं, उन्हें होल्ड किया हुआ है सिर्फ इसी चक्कर में कि एक बार क्लैरिटी हो जाए कि गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है 1.5 लाख तक की, तो आगे उसको आगे प्रोसेस में लगाएं। और यही एक वो सबसे बड़ा फैक्टर है जो 1.5 लाख तक की सब्सिडी मिल रही है इलेक्ट्रिक कार पर पर्सनल यूज के लिए, जो दिल्ली ईवी पॉलिसी को अदर स्टेट की ईवी पॉलिसी से बेहतर बनाती है। लेकिन और इसी पॉइंट पर अभी तक क्लैरिटी नहीं हो रही है। खैर, उम्मीद कर सकते हैं कि जैसे एटलीस्ट एक रजिस्ट्रेशन चार्जेस और रोड टैक्स पर हमें क्लैरिटी होगी, 10 अक्टूबर के बाद से कोई किस तरह के चार्जेस नहीं लगेंगे। उम्मीद है बहुत जल्द आने वाले कुछ दिनों में हमें इस 1.5 लाख तक की जो सब्सिडी है इस पर भी क्लैरिटी हो जाएगी। अब थोड़ा एक बार रिपीट कर लेते हैं, वैसे कई बार जिक्र किया है, जो मेन मेन फीचर्स थे न्यू दिल्ली ईवी पॉलिसी के उसको एक रिपीट कर लेते हैं। उसको जो इलेक्ट्रिक 2 एंड 3 व्हीलर था उस पर 5000 पर किलोवाट आवर के हिसाब से सब्सिडी है, मैक्सिमम कैपिंग है वो 30,000 है, उससे ज्यादा नहीं मिलेगी। वहीं सेम इलेक्ट्रिक कार या इलेक्ट्रिक फोर व्हीलर उस पर 10,000 पर किलोवाट आवर के हिसाब से सब्सिडी है, यानी कि मैक्सिमम 1.5 लाख तक की आपको यहां बेनिफिट मिलेगा। रोड टैक्स रजिस्ट्रेशन चार्जेस पूरा वेव ऑफ कर दिया गया है। स्क्रैप इंसेंटिव के बारे में भी बात की गई है, लेकिन उस पर भी अभी अपडेट नहीं है कि वो कैसे, किस तरह, किस हिसाब से मिलेगा। दिल्ली गवर्नमेंट को प्रायोरिटी पर इन पॉइंट्स को क्लियर करना होगा, तभी एक मोटिवेशन मिलेगी, तभी अडॉप्शन होगी ज्यादा से ज्यादा। सिर्फ कह देने से कि हम इतने सालों तक इतनी ऑन रोड ऐड कर लेंगे कुछ नहीं होने वाला, मोटिवेशन जरूरी है, उसके लिए पॉलिसी क्लियर होना जरूरी है। ऊपर से फिर से जो सर्दियों का दिन है, जो टाइम है वो नज़दीक आ रहा है, एक बार फिर से हर साल की तरह न्यू दिल्ली फिर से गैस चैम्बर बन जाएगी, लोग फिर इस जहरीली गैस को सहने में मजबूर होंगे। तो अब क्या कहूँ, मेरे पास कई बार शब्द नहीं होते हैं, बार बार कहता हूँ कि वी आर ऑलरेडी लेट, अब हमारे पास टाइम नहीं है। अगर आपने पॉलिसी डिक्लेयर किया तो भाई इसको क्लियर कीजिए, उसके सभी पॉइंट्स को इम्प्लीमेंट कीजिए जल्दी से जल्दी, तभी लोग ज़्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल को अडॉप्ट करेंगे। सिर्फ कह देने से कुछ नहीं होने वाला, आपको ऑन रोड दिखाना होगा, मोटिवेशन तभी आएगी। आज के लिए इतना ही। आपका इस कमेंट पर, इस अपडेट पर क्या कहना है बिल्कुल कमेंट में ज़रूर कुछ बताइएगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही, धन्यवाद वीडियो को अंत तक देखने के लिए। जय हिंद।